हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहां जियोन मिनहवान को देखकर चिल्लाती है, तभी डोरबेल बजता है जिससे जियोन भागकर डोर ओपन करती है, जहां एक डिलीवरी मैन आया होता है जिसका नाम डोंगशुक होता है और वो कहता है आपका ऑर्डर है। तब जियोन कहती है मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, और वो मिनहवान से पूछती है क्या तुमने चिकन ऑर्डर किया था। तब मिनहवान आकर कहता है नहीं, हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। तब डोंगशुक कहता है लेकिन एड्रेस तो यही का था, मैं अभी चेक करके वापस आता हूँ। तब मिनहवान घर के बाहर जाकर कहता है चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वापस आने की। तभी जियोन उसे घर से बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती है और वो कहती है मुझे नहीं लगता है हमें ये करना चाहिए। तब मिनहवान कहता है तुम क्या कह रही हो। तो जियोन उसे मैसेज करके कहती है तुमने जो अभी किया उससे मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, तुम हमारे रिलेशनशिप को क्या सोचते हो, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तब मिनहवान रिप्लाई करता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद मिनहवान बाहर आता है, वहीं बाहर हम जीहुक और डोंगशुक को देखते हैं। डोंगशुक जीहुक का फ्रेंड होता है और उसने ही डोंगशुक को जीहुन के घर जाने कहा था। डोंगशुक जीहुक से पूछता है क्या मैंने अच्छे से काम किया। तब जीहुक हाँ कहता है। उसके बाद डोंगशुक अपने शॉप में जाता है जहां उसका पार्टनर उस पर गुस्सा होकर खाना फेंक रहा होता है और कहता है तुम काम के समय कहां चले गए थे। तब डोंगशुक कहता है जीहुक ने मुझे एक काम के लिए बुलाया था, आजकल जीहुक अजीब बिहेव कर रहा है, उसने मुझे किसी को ढूंढने के लिए भी कहा था। उसके बाद हम उन्हों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वो डिश बना रहा होता है। तब एक आदमी आकर उससे कहता है तुम काम करते समय बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह लग रहे हो। तब उन्हों कहता है मैं इस संडे काम पर नहीं आ पाऊँगा। तब मैनेजर पूछता है क्यों, क्या तुम्हारा ब्लाइंड डेट है। तब उन्हों कहता है नहीं, मेरा हाई स्कूल का रियूनियन है, उसमें जाने वाला हूँ मैं। तब मैनेजर शौक होकर कहता है तुम तो ऐसे इवेंट को इग्नोर करते थे ना, जब से तुम्हारे फर्स्ट लव ने तुम्हारा दिल तोड़ा वैसे तुम्हें रियूनियन के बारे में कैसे पता चला। तब उन्हों एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहां जीहुक उसे मिला था। तब उसने उससे पूछा था क्या तुम इस संडे को फ्री हो, क्योंकि संडे तुम्हारे हाई स्कूल का रियूनियन होने वाला है, तुम्हें वहाँ जाना है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहां उन्हों मैनेजर से कहता है मुझे नहीं पता वो इंसान कौन था। तब मैनेजर कहता है तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तुम वहां अपने फर्स्ट लव से टकरा सकते हो। तब उन्हों फिर से फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहां वो हाई स्कूल में था और वो जियोन से कह रहा होता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करना चाहूँगा। उसके बाद हम जियोन को देखते हैं, वो अपने ऊपर एक एक करके कपड़े को चेक कर रही होती है रियूनियन में पहनने के लिए, लेकिन उसके पास एक भी अच्छा ड्रेस नहीं होता है। फिर वो अपने ऊपर मेकअप ट्राई करती है, तब उसके ऊपर कुछ भी सूट नहीं कर रहा होता है। तभी उसे सुमिन का मैसेज आता है कि आज मैं बहुत अपसेट हूँ और संडे को तुम लेट मत होना। तब जियोन अपने आप से कहती है मैं एक ही रात में अपने आप को सुंदर नहीं बना सकती हूँ। उसके बाद हम संडे का सीन देखते हैं जहाँ सुमिन जियोन को मैसेज करती है तुम आ रही हो ना, आज के डेट के लिए लेट मत होना और सुंदर बन के आना। फिर सुमिन रियूनियन पार्टी में जाती है जहाँ सभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और कह रहे होते हैं तुम बहुत प्रीटी लग रही हो। फिर वो सब मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं जहाँ एक आदमी सुमिन से कहता है तुम्हें जब से इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिला है तुम्हारा वाइब थोड़ा चेंज हो गया है, तुम अब बिल्कुल सिटी लेडी बन गई हो। तो सुमिन हंसते हुए कहती है जियोन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो बुली वाली लड़की उसे कहती है तुम अभी भी उसके साथ हो। तो सुमिन कहती है वो मेरी अदर हाफ है और वो अभी बहुत सुंदर हो गई है और वो भी आज यहाँ आने वाली है, सो तुम लोग उसके साथ अच्छे से बिहेव करना, वैसे भी वो बहुत हार्ड टाइम से गुजर रही है। तब एजी उससे पूछती है क्यों, क्या हुआ उसे। तब सुमिन कहती है तुम लोग को याद है ना कि मैंने उसे कैसे रिफ़र करके यूएनके में जॉब दिलाया था
और अभी उसे मीनहवन पर क्रश है। तब एक फ्रेंड उससे पूछती है, मीनहवन तो वो है ना जिसे तुम पसंद करती हो। ये सुनकर सभी जीवन पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी सुमिन को जीवन का कॉल आता है और वो पूछती है, तुम कहाँ हो? वहीं जीवन आ रही होती है। तब सुमिन कहती है, अगर तुम्हें जगह नहीं मिला तो मैं तुम्हें लेने आती हूँ। तभी वहाँ जीवन आ जाती है और सभी लोग उसे देखकर शॉक होते हैं। वहीं जब सुमिन भी उसे देखती है, उसकी भी बोलती बंद हो जाती है। यहाँ हमें अभी जीवन का फेस नहीं दिखाया जाता है और जीवन सभी को हाय कहती है। उसके बाद हम फिर से उसी रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ जीवन कहती है, मैं एक ही रात में थोड़े ना सुंदर बन सकती हूँ। तभी उसे हेयोन का मैसेज आता है जो उससे कहती है, तुम्हारा संडे को प्लान है ना, हम सैटरडे को तो मिल सकते हैं ना। उसके बाद हम नेक्स्ट डे को जीवन को देखते हैं जहाँ वो हेयोन से मिलने जा रही थी। तभी उसे पता चलता है कि उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो पैसा डबल हो गया। ये देखकर जीवन बहुत खुश होती है। वहीं जाते समय वो एक शोरूम में वैसे ही इयररिंग देखती है जैसे सुमिन ने उसे दिया था। बस शोरूम वाले रेल होते हैं और वो अपने वाले इयररिंग उसे मैच करके देखती है और कहती है, इनमें तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए जीहुक मुझे कह रहा था इसे मत पहनो। उसके बाद जीवन एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ वो अकेले बेंच पर बैठी हुई होती है और वो सुमिन के आने का वेट कर रही होती है। तभी सुमिन वहाँ आती है। वहीं सुमिन मैचिंग कैप लेकर आई होती है और वो एक खुद पहनती है और एक जीवन को पहनाकर कहती है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, चश्मे में तो और भी सुंदर लगती हो। तब जीवन कहती है, चश्मे में मैं सुंदर नहीं लगती हूँ। तब सुमिन उससे पूछती है, मेरी कैंडी कहाँ है? तब जीवन कहती है, माफ़ कर देना मैं लाना भूल गई, जिससे सुमिन सेट हो जाती है। तभी वहाँ मीनहवन आता है और वो सुमिन से पूछता है, जीवन ने क्या किया तुम्हारे साथ, तुम इतनी सेट क्यों हो? तब सुमिन कहती है, जीवन मेरा फेवरेट कैंडी लाना भूल गई है। तब मीनहवन उसे कैंडी देता है जिससे सुमिन खुश होती है। वहीं वो जीवन को सामान लाने कहकर मीनहवन के साथ बात करते हुए जाने लगती है। तब जीवन अकेले ही सभी सामान लेकर जाती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हेयोन पीछे से आकर जीवन को बुलाती है। तब जीवन शॉक हो जाती है और उसके हाथ से इयररिंग गिर जाता है जो हेयोन उठाती है और वो जीवन से कहती है, ये तो नकली है। तब जीवन कहती है, सुमिन ने मुझे ये दिया था, मुझे भी अभी पता चला है ये देखकर। तब हेयोन एक्टिंग करते हुए अपनी इयररिंग दिखाने लगती है और कहती है, ये वाला रियल है। उसके बाद हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ जीवन ड्रिंक करने लगती है। तब हेयोन कहती है, क्या तुम अभी भी ड्रिंक करती हो? तुमने कहा था कि तुमने ड्रिंक करना छोड़ दिया था क्योंकि ड्रिंक के हालत में तुमने एक बड़ी मिस्टेक की थी। तब जीवन कहती है, मिस्टेक फिर वो याद करती है जहाँ वो बहुत ड्रिंक थी और उसने जीहुक को हक कर लिया था, लेकिन उसका चश्मा नीचे गिर गया होता है जिससे उसे नहीं पता होता है कि वो जीहुक था। फिर जीवन कहती है, हाँ मैंने ड्रिंक करना छोड़ा था लेकिन फिर से मीनहवन के वजह से स्टार्ट कर दिया। तब हेयोन कहती है, तुम्हें ड्रिंक कम करना चाहिए क्योंकि कल तुम्हारा रियूनियन पार्टी है। तब जीवन कहती है, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं क्योंकि स्कूल में मैं अनपॉपुलर थी और मुझे बुली किया जाता था। तब हेयोन पूछती है, क्यों बुली किया जाता था तुम्हें? तब जीवन कहती है, नहीं पता, बस सडनली सभी लोग मुझे हेट करने लगे थे जिससे मुझे छोटा फील होने लगा था और मैं और मिस्टेक करने लगी थी। तब हेयोन उससे कहती है, तुम्हें उनसे पूछना चाहिए था, तुम्हें रियूनियन में जाना चाहिए जिससे तुम्हें बाद में कोई रिग्रेट ना हो। तब जीवन कहती है, तो मुझे जाना चाहिए ताकि मुझे बाद में रिग्रेट ना हो, लेकिन मैं एक ही रात में सुंदर नहीं बन सकती हूँ। तब हेयोन कहती है, लेकिन ट्राई तो कर सकती हो ना, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, अब मेरी बारी तुम्हारी हेल्प करने की। उसके बाद हेयोन जीवन को अपने स्टाइलिश के पास लेकर जाती है। उसके बाद हेयोन स्टाइलिश से कह रही होती है उसे जीवन के साथ क्या करना है। तब जीवन हेयोन से कहती है, मुझे पूरी तरह से अलग इंसान बनना है। उसके बाद जीवन का हेयर कट किया जाता है, फिर उसका मेकअप किया जाता है, फिर वो एक ड्रेस पहनकर अपने आप को मिरर में देखती है जिसे देखकर उसके आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ हेयोन आकर उसकी तारीफ करने लगती है।
इसके बाद हेयोन जियोन के अलग अलग ड्रेस चूज करती है, जहाँ जियोन सभी ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही होती है। उसके बाद जियोन एक बैग को देख रही होती है जो उसे पसंद आता है, तब हेयोन उससे लेने कहती है। तब जियोन याद करती है ऐसा ही सेम बैग सुमिन के पास था जो मिनहवा ने उसे खरीद कर दिया था। तब जियोन कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, ये किसी और को बिलोंग करता है। नेक्स्ट सीन में हम जियोन को देखते हैं, वो सो रही होती है। तभी वो सपने में उसी सीन को देखती है जहाँ सुमिन और मिनहवा ने उसे मारा था, जिसे देखकर वो डरकर उठती है और वो अपने आप को मिरर में देखती है। वहीं हेयोन भी उसके घर में ही होती है जो सपने में भी खाने के बारे में ही सोच रही होती है। तभी जियोन को मैनेजर का मैसेज आता है, मैंने तुम्हारे प्रपोजल को देखा, जोरन और सुमिन भी टीम में होंगे और प्रपोजल में जो कमी है उसे वो दोनों ठीक करेंगे। फिर उसे सुमिन का कॉल आता है और वो उससे पूछती है तुमने आज क्या किया। तब जियोन कहती है मैं आज हेयोन के साथ खाना खाने गई थी और आज वो मेरे घर में ही है। तब सुमिन पूछती है तुमने मुझे भी कॉल करना चाहिए था, क्या मैंने ऐसा कुछ किया जिससे तुम अपसेट हो। तब जियोन मना करती है। फिर सुमिन कहती है मैंने तुम्हें कॉल एक फेवर मांगने के लिए किया है जो तुम्हारा प्रपोजल के बारे में है, क्या मैं उसे लेकर ठीक करके फिर से उसे प्रपोज कर सकती हूँ। तब जियोन उसके लिए मना करती है और कहती है वो मेरा प्रपोजल है। उसके बाद हम सुमिन को मैनेजर के साथ देखते हैं, जहाँ सुमिन मैनेजर को अपनी बातों में फंसा रही होती है। तब मैनेजर जियोन के प्रपोजल से उसका नाम काटकर उसे सुमिन को दे देते हैं। उसके बाद हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ जियोन रियूनियन में जाती है। उसे देखकर सभी लोग शॉक होते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही होती है। उसके बाद वो बैठ जाती है जहाँ सभी लोग उसकी ही तारीफ कर रहे थे। तभी एजी जियोन से कहती है तुमने सुमिन की इयरिंग कॉपी की है। तब जियोन अपने इयरिंग को दिखाती है जिससे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब एक आदमी कहता है ये सेम नहीं है, जियोन का सुंदर है लेकिन सुमिन का सस्ता लग रहा है। तब एक लड़की कहती है सुमिन ने जियोन की कॉपी की है। सुमिन ये सुनकर शॉक होती है। यहाँ जियोन फ्लैशबैक में याद करती है जब वो रियूनियन के लिए रेडी हो रही थी जो हेयोन उसे कर रही होती है। तब हेयोन जियोन को सुमिन के दिए हुए इयररिंग को दिखाकर कहती है ऐसे गिफ्ट इंसान तब देते हैं जब वो इंसान तुम्हारी इंसल्ट करना चाहे, इसलिए आज रियूनियन में तुम मेरे वाले पहनो। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, यहाँ सुमिन कुछ नहीं कह पाती है जिससे वो अपने इयररिंग खोल देती है। वहीं जियोन वॉशरूम जाती है और वो उसी टॉयलेट के अंदर जाती है जिसमें वो पास में बैठी हुई थी। तभी वहाँ वही एजी और उसकी फ्रेंड आती है और वो लोग सेम बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि जियोन भी वॉशरूम में है, जिससे वो लोग एक एक करके डोर खोलकर देखने लगते हैं। वहीं जब वो लोग जियोन वाला डोर खोलने वाले थे तब उल्टा जियोन लात मार के उसे खोलती है। तब जियोन उनसे पूछती है मैंने सुमिन के साथ क्या बुरा किया बताओ। तब एजी कहती है तुम हमेशा उसके सामान कॉपी करते रहते थे। तब जियोन अपने इयररिंग दिखाकर कहती है ये रियल है और वो सुमिन के दिए हुए इयररिंग को उन्हें दिखाकर कहती है ये सुमिन ने मुझे दिया था लेकिन ये नकली है। तब एजी कहती है मिनहवान जो है उसे सुमिन लाइक करती है लेकिन तुम्हें उस पर क्रश है। तब जियोन मिनहवान को कॉल करती है, तब मिनहवान उसे बेब कहता है। जियोन उससे कहती है मेरी फ्रेंड्स तुमसे बात करना चाहती है। तब एक लड़की उससे पूछती है क्या तुम सच में जियोन के बॉयफ्रेंड हो। तब मिनहवान हाँ कहता है। तब एजी कहती है सुमिन ने तुम्हें कंपनी में जॉब दिया था। तब ये सुनकर जियोन शॉक होकर उसे अपना कार्ड दिखाती है और कहती है मैं उस कंपनी में 7 साल से काम कर रही हूँ और मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ और वो एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है और उसने 1 साल पहले ही कंपनी ज्वाइन किया है, तो वो मुझे कैसे काम दे सकती है, उल्टा मैंने ही उसे जॉब दिया था। उसके बाद वो वहाँ से बाहर आती है और वो अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगती है। तब सुमिन उससे पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। तब एजी आकर कहती है बाकी सब बातें छोड़ो, स्कूल में जब सुमिन और उन्हों एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब तुमने ही उन्हें ब्रेकअप करने कहा था, तुमने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर जियोन शॉक होती है और कहती है हाँ मेरे दिल में उन्हों के लिए फीलिंग था लेकिन सुमिन और उन्होंने कभी एक दूसरे को डेट नहीं किया था।
और वो सुमिन से पूछती है क्या तुमने उसे डेट किया था। तब सुमिन कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम उसे लाइक करती हो, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तब एजी कहती है तुम्हें हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तब जियोन कहती है मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, वो तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने 3 साल मुझे स्कूल में बुली किया था, मेरे साथ गलत किया था। तभी वहाँ उन्हों आता है और वो कहता है मुझे बाकी कुछ का तो नहीं पता लेकिन मैंने कभी सुमिन को डेट नहीं किया था। और वो जियोन को देखकर हाय कहता है। उसके बाद हम जीहुक और उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं जहाँ ग्रैंडफादर उसे डांट रहे होते हैं और उसे शादी के बारे में कहते हैं। तब जीहुक कहता है अब तक मैंने वही किया जो आपने मुझे करने कहा था, लेकिन अब तो मुझे मेरी मर्जी की करने दीजिए, मैं किसी और को प्यार करता हूँ। उसके बाद हम जीहुक को गाड़ी में बैठे देखते हैं जहाँ वो एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ हम देखते हैं जीहुक ने यूनहू को रियूनियन में जाने कहा था और वो कहता है तुम्हारा और जियोन के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी लेकिन तुम रियूनियन में गए तो उसके लिए हेल्प होगा। उसके बाद हम यूनहू और जियोन को देखते हैं जहाँ यूनहू उससे पूछता है क्या सच में तुमने मुझे लाइक किया था। तब जियोन कुछ भी कहे बिना वहाँ से भाग जाती है और वो बाहर जा रही होती है। तब जीहुक उसे देख लेता है, वहीं यूनहू जियोन के पीछे जाता है और उसे रोकता है। तब जियोन कहती है मुझे जाना होगा। तब यूनहू कहता है मुझे कुछ कहना है। तब जियोन कहती है मैंने तुम्हें कभी लाइक नहीं किया था और वो जाने लगती है। तब यूनहू उसके आगे आ जाता है और वो चिल्लाकर कहता है मुझे तुम पर क्रश है। वहीं जीहुक उन्हें देख रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। और आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।